अच्छा, बहुत सारे लीग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे इस लीग को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी दो वजूहात हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एक तो ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है जिसका नाम नवीद है, जो इंसान अपना पास्ट नहीं भूलता उस आदमी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। तो नवीद, वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी पूरी टीम को। और ऑनेस्टली मुझे खुशी है कि मैं आपके इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आज मेरी खुशी का समा नहीं है कि यहाँ पे माशाल्लाह देख के मेरे जितने भी बिजनेस रिलेशन, मेरे बिजनेस फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, मेरे माशाल्लाह फखरे पाकिस्तान, माशाल्लाह जी दुनिया के ऑलराउंडर, और माशाल्लाह आज मेरे साथ हैं इस इवेंट्स में। और थैंक यू वेरी मच सर। मुअज्जज गेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं इन द रूम, सबके लिए मेरे दिल की अदा गहराइयों से मैं सबको मुबारक भी देता हूँ। इंशाल्लाह ये आपने ही सक्सेसफुल इवेंट किया है, ये आप आए और इस इवेंट्स को चार चांद लगा दिए, थैंक यू वेरी मच। यानी ये सब इवेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन ये मेरा एक मकसद था कि यंग जनरेशन को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकूँ जहाँ पे वो आएँ और अपना स्किल्स जो है वो शो करें, और फिर वो अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ वो बढ़ते जाएं। तो यही एक मकसद था, इसीलिए हम ये सुपर फिक्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी का जो हमने सोचा और इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, चल रहे हैं एज़ पर माई टीम। जितनी भी मेरी टीम है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेफ्ट एंड राइट, उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया, आप लोगों ने सुपर फिक्स पे यकीन किया कि वो जो अनहोनी थी वो करके दिखाएंगे, जो पॉसिबल नहीं था उसको, इम्पॉसिबल था उसको भी करके दिखाया लास्ट ईयर में। तो मुझे ये बेनिफिट आगे मिलेगा इंशाल्लाह कि जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जितने यंग जनरेशन को मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, उनको एक अपने एक आगे एक स्टेप लेने के लिए उनको मैं एक चांस दे रहा हूँ, तो वो शायद मुझे काम आएगा। आज का दिन मेरे लिए एक ड्रीम था, आज ख्वाब था, जो कि मैं आज यहाँ आपके सामने और मेन मेरे मुअज्जब सब गेस्ट और फखरे पाकिस्तान सामने और मैं यहाँ स्टेज पे हूँ। फिर हमारे जितने भी मीडिया पार्टनर हैं सबके लिए मैं अता दिल गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब के लिए, और मैं अपनी टीम के लिए चाहता हूँ कि एक दफ़ा सब एक साथ जो है ना मिल के उनके लिए एक ब्लॉसम में कह रहे कि उनकी हार्डवर्क से ये आज मैं यहाँ पे अगर स्टैंड हूँ तो मेरी टीम की वजह से है। सुपर फिक्स की जर्नी जो है वो हमारे लिए एक बहुत मुकाम रखती है। आज से 2 साल पहले जब हमने ये इनिशिएटिव लिया था तो उस टाइम हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी, जैसे शारजा स्टेडियम की बुकिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन जो ड्रीम था टेप बॉल का उसको पूरा करने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पे शारजा स्टेडियम जैसे एक आइकॉनिक स्टेडियम की ज़रूरत थी। टेप बॉल जो है ना वो हमारी पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। मेरे ख्याल में इस यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में टेप बॉल नहीं खेली होगी। तो टेप बॉल को इस लेवल तक लेके आने के लिए इट्स नॉट जस्ट लाइक वन डे, इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स फ्रॉम अस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आवर ब्रांड एम्बेसडर एवरीबॉडी ड्रीम मिस्टर लाला शाहिद खान अफरीदी सर इज विद अस एज वेल। सर, वी आर रियली प्रिविलेज टू हैव यू हियर विद अस। कॉल ऑन स्टेज मिस्टर इमरान रसूल साहब टू प्लीज काइंडली कम ऑन स्टेज एंड रिसीव अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आवर एक्स नेशनल हॉकी प्लेयर और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी, अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम सुपर फिक्स ग्रुप विद शाहिद खान अफरीदी साहब एंड नवीद साहब ऑन स्टेज नाउ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज सुपर फिक्स सीज़न 2 की जो है वो किट लॉन्चिंग और ट्रॉफी अनवीलिंग की सेरेमनी थी। हमारे साथ हैं सीईओ जनाब नवीद अहमद साहब और आइकॉनिक के बहुत ही फेमस खावर लतीफ़ भाई जी। वेलकम टू हकाइक न्यूज़ जी, बहुत मुबारक हो आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द हकाइक न्यूज़ के वो आए यहाँ पे कवरेज दे रहे हैं हमें, बहुत मेहरबानी जनाब। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि सुपर फिक्स क्रिकेट का सीन ऑन है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो क्यों सीन ऑन है कि जितने भी क्रिकेट लवर हैं उनको मैं आपके चैनल के थ्रू उनको इनवाइट करता हूं कि वो आएं शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 1st, 2nd एंड 3rd दिसंबर को।
तो मिलके इंशाल्लाह यूएई के नेशनल डे भी मनाते हैं और साथ में क्रिकेट भी एंजॉय करते हैं। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें ट्रॉफी रिवील किया हमने, किट लॉन्चिंग की है, उसके बाद जनाब हमारे बहुत ही ये हमारे लिए ऑनर की बात थी कि शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान का एक नामवर प्लेयर्स है, एक्स कैप्टन भी है, वो हमारे साथ था और हमारे सुपरविज का वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ पास भी ये एक आज़ाज़ जो है ना वो कि मेरा ख्याल वर्ल्ड टेबल की हिस्ट्री में तो कहीं नहीं है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड टेबल। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह माय एक्साइटमेंट इज ओवर द मून, आई एम रियली जुबिलेंट। बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत एक्सपेक्टेशन से ऊपर दे रहा है वो। और इंशाल्लाह जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने खुद कहा है कि वो अगले एंड आई एम श्योर ही मेन इट, वो अगले साल, वो बल्कि इस साल भी इंशाल्लाह आपको 3 दिन बाद अब उसको स्टेडियम इन एक्शन भी देखेंगे। हमारी बात हुई है इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच हकाइक न्यूज़ आल्सो फॉर द वंडरफुल रिपोर्टिंग। सुपर फिक्स क्रिकेट का सीन ऑन है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक नवीद अहमद को जो सुपर सिक्स के ऑनर हैं, और दूसरा जो इनकी टीम है बेसिकली मेरे साथ एक खड़े हुए हैं सैयद अब्बासी, जिस तरह से ये और इनकी टीम काम कर रही है, मुझे लगता है कि यूएई की पूरी मार्केट जो है वो उसके अंदर आपको आर्टिस्ट, आपको प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स और हर तरह की इंटरटेनमेंट जो है वो ग्राउंड्स के अंदर मिलेगी जो कि पहले नहीं होते थे। तो मेरी तरफ से मैं यही चाहूँगा कि जितनी भी यूएई की पब्लिक है, जितनी भी यूएई के अवाम है, ये मैचेस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि ये मैचेस इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी लोग हैं, जितने भी दूसरी नेशनलिटी के लोग हैं जो यूएई में रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और ये सब लोगों के लिए है। तो ये सीरीज़ आपने की अपनी सीरीज़ है, आप आएँ शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, मेरे से भी आपसे मुलाकात करूँगा। 2 दिसंबर को मैं परफॉर्म भी करूँगा। और बस विशेष सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब और काक न्यूज़ का कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्रिकल प्रोग्राम था, शाहिद अफरीदी जो आप चीफ गेस्ट थे और उसके साथ साथ यहाँ पे जिस तरह कम्यूनिटी ने शिरकत की, और यकीन करें मेरे बड़ा हौसला मिला है। और इंशाल्लाह जिस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड की हमारी जो तैयारी है वो भी बड़े रूज पे है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे 2 दिसंबर को इवनिंग में, और वो जो इवनिंग होगी वो यूएई नेशनल डे के वाले से जो क्राउड आएगा उसको भी ये इंशाल्लाह वहाँ पे उनको सही एंटरटेन करेंगे। और देखना मत भूलिएगा रहीम डार भाई को, इनके इस तरह के लोग जब क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे और क्रिकेट की कम्यूनिटी जब आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगी तो बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता बनेगा इंशाल्लाह।